अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज वेंसडे एंड द डेट इज 5th of May 2021. ओके, क्विकली टेल मी दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द यूनिट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यूनिट नंबर 2 पेशावर व्हिच वी आर डूइंग दीस डेज. किस किस ने उसकी रीडिंग की है दोबारा से? हाथ खड़ा कर दें फटाफट जी. शाबाश, काफी बच्चों ने पढ़ा है भाई, वेरी गुड. आप बस रीडिंग का ही तो काम था, अब रीडिंग तो कर सकते ना खुद से. ये तो नहीं कि अब रीडिंग के लिए भी आपको मामा के साथ बैठना है. अच्छा मुझे ये बताएं, डॉक्यूमेंट्री किस किस ने देखी जो मैंने शेयर की थी पेशावर के बारे में? इंटरेस्टिंग थी ना, उसमें पेशावर और इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स और सारी जो मार्केट्स बाजार्स का सीन, बहुत मुझे तो मज़ा आया देख के. इसीलिए मैंने शेयर की थी कि आप लोग इन्जॉय भी करेंगे और आप लोग सीखें या देख भी लेंगे खुद से कि पेशावर में व्हाट इज़ द लाइफ स्टाइल ओवर देयर. ठीक है, हर शहर का एक अपना अंदाज होता है ना रहने सहने का, पेशावर का अपना है. खैर, अच्छा इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं. लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दिस होल यूनिट फर्स्ट एंड वी विल बी वर्किंग ऑन द बुक. बुक्स हैं सबके पास आई एम श्योर, तो उस पर हम काम करेंगे. कॉपी वर्क नहीं कर रहे हम अभी, ठीक है, ना ही हम स्किल्स बुक को काम कर रहे हैं. वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब आप लोगों के पास आपके हाथ में चीज़ें होंगी फिर करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताते जाएं साथ साथ, यहाँ मैं पॉइंट लिखी जाती हूँ. अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो काम मैं बोर्ड पे आपको रिटन वर्क के बगैर करवा रही हूँ ना, जैसे मैंने वेब बना दिया, या मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी कि जैसे हमने माइंड मैप बना देते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग वेब्स बना देते हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं, वो आपने नहीं नोट करने होते, वो सिर्फ आपने देख के सीखने पढ़ने याद रखने होते, उनको कॉपियों पर लिखना नहीं है. ठीक है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉपी वर्क. वो सारा कुछ बुक्स में ही होता है, बुक्स में होता है और वहाँ से हम रिवाइज करते रहते हैं. लेकिन हमारा रिटन वर्क क्या है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, या कोई एक ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग के लिए हम आपको दे दें कि पेशावर के बारे में ऐसे लिख लें या इस्लामाबाद के बारे में लिख लें, वो बात और है. लेकिन जो यहाँ अभी मैं आपको कराती हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम, रिवीजन करते हैं, रीकैप या रैप अप करते हैं, उसको आपने कॉपीज पे नोट नहीं करना, प्लीज कॉपीज को नीट रखें. ओके चल शुरू करते हैं. आपके जी पेशावर कहाँ वाक्य है? इट इज इन खैबर पख्तूनख्वा. पूरा लिखो, चलो मुझे स्पेलिंग आप बताएंगे, मुझे आपके लिए स्पेलिंग खैबर पख्तूनख्वा मैं भूल गई, बताइए बोलते जाइए, जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं नहीं. सही लिख रही हूं? फिर पख्तून, पख्तून सही है? ओके सही है, गुड, क्लैपिंग फॉर मी. ठीक है, थैंक्स टू यू. खैबर पख्तूनख्वा में है पेशावर. क्या है, नया शहर है पुराना शहर है? वन ऑफ द oldest cities of the world. पिशावर में क्या ज्यादा किया जा रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है ज्यादा? पिशावर इंपॉर्टेंट किस लिए है? ट्रेड, बिल्कुल सही. इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान. फिर अच्छा अब मुझे ये बताएं कि किस पास से ये 48 किलोमीटर दूर है, 48 किलोमीटर फार फ्रॉम विच पास? ठीक हो गया. अब ये बताएं कि इसकी क्या चीजें मशहूर हैं, कौन सी जगह इसकी मशहूर है अभी तक जो हमने पढ़ी है? बाजार, मार्केट्स, एक और स्क्वायर चौक के बारे में भी हमने पढ़ा, उसका क्या नाम था?
यादगार स्क्वायर या चौक या स्क्वायर ऑफ रिमेम्बरेंस, ठीक है सही। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा बाजार कदीम तरीन बाजार है, लेकिन सबसे पुराना बाजार है और बहुत मशहूर है, बताइए। स्टोरी टेलर, आपको हिंट दे रही हूं मैं, जी किस्सा, कहानी, बाजार, बिल्कुल सही। अच्छा कौन सा मशरूम बड़ा मशहूर है, मशरूम पीने की चीज कौन सी मशहूर है, कोका कोला, क्या फिर क्या, ग्रीन टी, बिल्कुल। सो कहते हैं पिशावरी कहवा। कौन सा डैम है जो पिशावर को बिजली और पानी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही, शाबाश मुईज, परसेंट डैम। फाइट आपकी आवाज नहीं आती मुझे, अक्सर हो जाते हैं आप बीच में से, परसेंट डैम। अब डैम क्या होता है बताएं, फाइट आप बताइए, व्हाट इज डैम, इज अ थिक वॉल, बिल्कुल सही। कहां बनाया जाता है ये दीवारें, कहां बना के पानी को जखीरा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिवर्स पे या लेक्स के ऊपर, ताकि बिजली बनाई जा सके और पानी मुहैया किया जा सके मुख्तलिफ इलाकों को। अच्छा लोगों की तरफ आ जाए, कितनी आबादी है, व्हाट्स द पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पिशावर, मोर देन हाउ मेनी मिलियंस, मोर देन 3 मिलियन, सही। अच्छा और ये चीज है कि पिशावर में सिर्फ पिशावर वाले रेजिडेंट्स मतलब नहीं रहते, पूरी दुनिया से लोग जैसे हमारे लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, वैसे पिशावर भी बहुत मशहूर शहर है दुनिया में, तो दुनिया से लोग वहाँ विजिट करने भी आते हैं, वहाँ रहते भी हैं, कारोबार भी करते हैं या फिर वो जॉब्स वगैरह भी करते हैं, बिकॉज इट्स द मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान, बड़ा शहर है पाकिस्तान का। अच्छा जबानें कौन कौन सी बोली जाती है, विच लैंग्वेजेस डू दे स्पीक, पश्तो और हिंद को, शाबाश, और फ्रेंच, फिर क्या, उर्दू ऑफ कोर्स, इंग्लिश, उर्दू इसलिए कि हमारी कौमी जबान है, इंग्लिश इसलिए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पश्तो हिंदू वहां की मकामी जबानें हैं, जैसे पंजाबी यहाँ की लोकल जबान है लाहौर की, सही। अच्छा लेट्स डिस्कस अबाउट द वेदर, मौसम कैसा है पिशावर का, और क्लाइमेट आपको आवाज क्या है। अच्छा आपको भी पता है, जाहिर है बता चुके हैं बहुत दफा में कि क्लाइमेट और वेदर में फर्क होता है, ठीक है। आबोहवा कैसी है, गर्मी और सर्दी दोनों सीजन है वहां पे, गर्म गर्मियां जैसे लाहौर में, और ठंडी सर्दियां, कोल्ड विंटर्स, नो मॉनसून, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिशावर में मॉनसून का सीजन नहीं होता, लेकिन सर्दियों और गर्मियों की जो सीजनल बारिशें होती है ना वो जरूर होती हैं। मॉनसून जो जैसे एक्सपेल यहाँ पे चलता है ना कि बहुत सारी बारिशें होती हैं, रोज ही बारिश होती है, एक महीना पूरा तकरीबन ऐसे निकल जाता है हमारा, कभी सुबह बारिश कभी शाम बारिश, घर से निकले तो बारिश, घर आए तो बारिश, स्कूल पहुंचे तो बारिश,
स्कूल से निकले तो बारिश, ठीक है, वो मानसून का सीजन होता है, काफी सारी बारिशें होती हैं, लेकिन पिशावर में एज सच मानसून का कोई सीजन नहीं है। समर और विंटर्स की जो सीजनल बारिशें होती हैं वो दोनों चीज में होती हैं। ठीक, अब हम करते हैं बुक पे दोबारा से अपना कनेक्शन, किस तरफ बनाते हैं दोबारा, पेज नंबर 11 खोल लीजिए जल्दी से, अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखेंगे। देयर इज अ बिट लिटिल रिटन वर्ड ऑन पेज नंबर 12, वो हम छोटा छोटा काम है वो बुक पे ही करेंगे, ठीक है, चले तैयारी पकड़े जल्दी कर लें। पेज नंबर 11, थिंग्स टू सी एंड डू, देखने और करने की चीजें पेशावर में क्या क्या हैं, जैसे हमने इस्लामाबाद में पढ़ी वैसे पेशावर में भी हैं बहुत सी, जाहिर है देखने और काम कर, उसको विजिट करने की जगह। और हियर आर सम ऑफ द थिंग्स यू कैन सी इन पेशावर, ये कुछ चीजें हैं जो आप पेशावर में जाके देख सकते हैं। इस्लामिया कॉलेज, बड़ा ही मशहूर कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज। दिस कॉलेज वॉज बिल्ड इन 1913, ये 1913 में बनाया गया था, एंड बिकेम अ यूनिवर्सिटी इन 2008, और 2008 में एक यूनिवर्सिटी बना दी गई, यानी ये बहुत बड़ा कॉलेज है जो कि 1913 में बनाया गया था और 2008 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अब मैं आपको इसकी तस्वीर भी हम देख लेते हैं, ये इस्लामिया कॉलेज सबसे पहली तस्वीर, कितनी खूबसूरत इमारत, कितनी बड़ी जगह, इट्स अ यूनिवर्सिटी नाउ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है, लोगों का ख्वाब है यहां पढ़ना। नेक्स्ट चलते हैं, महाबत खान मॉस्क, महाबत खान मॉस्क, दिस ब्यूटिफुल मॉस्क was built in the 1670s, 17वीं सदी में, यानी 1670 के साल में ये खूबसूरत मस्जिद बनाई गई। इट हैज एन ओपन courtyard, इसका खुला सहन है, एंड अ रो ऑफ रूम्स अराउंड द साइड, और कमरों की कतारें हैं साइड में, जैसे बादशाही मस्जिद गए आप लोग कभी, उसमें भी तकरीबन यही है कि एक बड़ा सा, इतना बड़ा कोर्टयार्ड है बादशाही मस्जिद में, और एक साइड पे कमरे बने हुए हैं, वो मुसाफिर खाने हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं जिनको यहाँ रहने की जगह नहीं मिल पाती तो वो वहाँ मुसाफिर खानों में रह लेते हैं। इसी तरह से महाबत खान मॉस्क में भी है। द इनसाइड ऑफ द प्रेयर हॉल इज डेकोरेटेड विद कलरफुल पैटर्न्स, अंदर का जो नमाज पढ़ने का हॉल है ना, जहाँ पे जैसे हमारा सलातरूम है, उसमें रंग बरंगे डिजाइनिंग यानी पैटर्न्स और नमूने बनाए गए हैं, वहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत नक्शो निगारी की गई है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, महाबत खान मॉस्क खूबसूरत आला खुला सहन, इर्द गिर्द कमरे के बीच में तालाब। अच्छा, मुझे बादशाही मस्जिद याद आ गई वैसे इसको देख के, उनमें भी बीच में ऐसे ही एक पॉन्ड है। ठीक, आगे है जी पेशावर म्यूजियम, पेशावर म्यूजियम। अब म्यूजियम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, म्यूजियम होता है अजायब घर जहां पे पुरानी कदीम जमाने की चीजें रखी जाती हैं ताकि आने वाले जमानों के लोग उनको देख सकें, ठीक है। दिस म्यूजियम वॉज बिल्ट इन 1907, ये अजायब घर 1907 में तामीर किया गया, म्यूजियम को अजायब घर कहते हैं। इट हैज वन ऑफ पाकिस्तान्स बेस्ट कलेक्शंस ऑफ गंधारा आर्ट, इसमें पाकिस्तान की गंधारा आर्ट की बेहतरीन चीजें रखी गई हैं। गंधारा आर्ट जो है ना, गंधारा इज अ यूनिट इन योर बुक, वो इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम पेशावर म्यूजियम का जिक्र करेंगे कि पेशावर म्यूजियम में गंधारा आर्ट की चीजें रखी गई हैं। देयर आर वुडन कार्विंग्स, लकड़ी के नक्शो निगार हैं, एंड गैलरी डिस्प्लेइंग इस्लामिक ऑब्जेक्ट्स, और एक ऐसी तस्वीरों की गैलरी है जिसमें इस्लामी चीजें रखी गई हैं, इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें रखी गई हैं, इम्पॉर्टेंट, राइट। जब पेशावर किसी भी म्यूजियम में हम जाते हैं ना तो हमें हिस्ट्री के बारे में ही पता चलता है। ये है जी पेशावर म्यूजियम, अगेन अ ह्यूज बिल्डिंग, ये देखें
Now, what I have learned about Peshawar, let's discuss. हमने क्या पढ़ लिया जी पेशावर के बारे में? What I have learned about Peshawar, key facts, जो important points हमने पढ़े. Peshawar is the capital of the province of Khyber Pakhtunkhwa. पता चल चुका है आपको. It is a very old city. It is a fast growing city. जल्दी से बढ़ रहा है, यानी आबादी बढ़ रही है ना. आबादी जब बढ़ती है तो सारे शहर फैलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं. It is famous for its bazaars and markets. ये अपने बाजारों और मार्केट्स के हवाले से मशहूर है. It is an important city for trade with other places. ये दूसरी जगहों या दूसरे इलाकों के साथ तिजारत का एक अहम मरकज है या शहर है. It is near the famous Khyber Pass. और ये मशहूर दर्रा खैबर के पास वाक्य है. कितना किलोमीटर दूर है? सिर्फ 48 किलोमीटर या 30 माइल्स दूर है खैबर पास से बस पेशावर. अब ये वो फैक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं, आपने और मैंने सीखे हैं पेशावर के बारे में. हमारी जनरल इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है ना. चलें मूविंग ऑन टू पेज नंबर 12. जी ये कुछ मैंने आपके लिए किए हैं, बाकी आप लोग मुझे बताएंगे. खैबर पास, खैबर पास, पेशावर, बाजार, ट्रेड, पश्तो. पश्तो क्या है? क्या है पश्तो? खाने की चीज है. पश्तो एक जबान है, बिल्कुल, जो कहां बोली जाती है? पेशावर में. शाबाश. अगला बताएं जरा आप मुझे. ये एक डैम है जी पेशावर में, हमने पढ़ा है. अब आप मुझे नाम बताएं. वारसक डैम. वार, शाबाश, वारसक डैम. अब ये क्या है? सोचें जल्दी. इससे हमारे बैग्स भी बनते हैं, इससे हमारे जूते भी बनते हैं, जैकेट्स भी बनती हैं, और ये एनिमल स्किन से हासिल करते हैं हम. वी गेट इट फ्रॉम एनिमल स्किन, इट्स लेदर. शाबाश, लेदर. अब हमने क्या करना है? हमने इन सारे वर्ड्स को इस पजल में ढूंढना है. सबसे पहले हम खैबर पास ढूंढते हैं. मुझे तो मिल गया. सी, दिस इज खैबर पास. आप चाहें तो कोई हल्का सा कलर इसमें कर सकते हैं. खैबर पास. और इसके बिल्कुल नीचे दूसरा भी मिल गया मुझे, वारसक डैम. आपको मिला? मुझे मिल गया. जल्दी 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 करें. पेशावर ढूंढे, देखते हैं कौन पहले ढूंढता है, मैं या आप. पेशावर, पेशावर ढूंढे 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 जल्दी. पेशावर, मुझे मिल गया. आपको मिला? I got it, पेशावर. अब बताइए मुझे बाजार, बाजार. ओहो, मुझे तो फौरन मिल गया. ये देखें बाजार. आपको मिला? देखा मुझे जल्दी मिल रही है चीजें. ट्रेड ढूंढे, ट्रेड, TREDE, ट्रेड. मुझे मिल गया. मुझे लगता है मैं ही विनर हो रही हूँ, आप लोग नहीं कर रहे. पश्तो ढूंढे. अब मैं नहीं कर रही, अब आप करें. पश्तो, पश्तो. हाँ मुझे मिल गया भाई, मिल गया ना आपको भी. ये है बिल्कुल सही, पश्तो. बस लेदर रह गया, बस एक लेदर, 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 लेदर. मिल गया, ये रहा लेदर. इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है. अब आपने एक दफा फिर इस यूनिट की रीडिंग करनी है, और ये जो हमने वर्ड्स अभी पजल में किए हैं, कोशिश करें इनकी स्पेलिंग्स को अच्छी तरीके से अपने जहन में रखने की, और इनसे रेलेवेंट खैबर पास क्यों मशहूर है, पेशावर क्या है, बाजार क्या होता है, ट्रेड क्या है, पश्तो क्या चीज है, वारसक डैम किस जगह को कहते हैं, और लेदर से क्या क्या बनता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. हम इंशाल्लाह अपने अगले लेसन में इन सब चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे. आप मुझे जवाब देंगे और फिर हम इसका फर्दर काम करेंगे. ठीक है, अभी बुक पे काम करेंगे.
फिर हम कॉपीज पे काम करेंगे इंशाल्लाह, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, ट्रू फॉल्स भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़.